Next question. Question says a body of mass 100 gram. This should be written as GM. Is sliding on an inclined plane with an inclination of 60 degree. Sawal hai, what is the frictional force experience if coefficient of friction is 1.7? Now here notice karna mu jo hai uski value aapki greater than 1 de rakhi hai. Practical scenario mein 1 se jyada ho sakti hai. Apne syllabus mein hum usually ye kehte hain ki mu ki value 0 aur 1 ke beech mein exist karti hai. बट ऐसे मटेरियल हैं जिनकी आपकी म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है और अगर 1 से ज़्यादा दे रखा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस म्यू की वैल्यू यूज़ कर लेंगे. सो अपना जो स्नैरियो है वो ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल है 60 डिग्री. सो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, थीटा आपने को यहाँ 60 दिया हुआ है और एक आपका मास यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और ये मास आपका यहाँ पर स्लाइड कर रहा है, वी वेलोसिटी ए एक्सेलेरेशन वो सारी कहानी हो रही है. राइट, इसका जो ड्राइविंग फोर्स होएगा, एक बार उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. इसका जो ड्राइविंग फोर्स होएगा जो इसको आगे लेके जा रहा है, एफ उसको नाम दे देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा. यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें, एम दिया हुआ अपने को 100 ग्राम, सो ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60. साइन 60 हो जाएगा आपका रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. नाउ ये 100 इंटू 10,000 बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा. सो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है जो आगे लेके जा रहा है उसकी वैल्यू हो गई रूट 3 बाय 2. रूट 3 की वैल्यू होती है अपनी 1.732 डिवाइडेड बाय 2. इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.866 न्यूटन. तो आपके जो आगे फोर्स लग रहा है वो हो गया 0.866 न्यूटन. नाउ ये फोर्स वो नहीं है जो हमें चाहिए, हमें बताना है आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा. तो इस केस में अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, क्योंकि आपका ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा. फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. राइट, सो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, है ना. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू, म्यू अपने को दिया हुआ है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय एम, एम है आपका 100 ग्राम, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय जी, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस 60 आपका हो जाएगा 1/2. तो जो आपका एफ एस मैक्सिमम है, मैक्सिमम फोर्स जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू आ गई, ये हो गया 1.7 डिवाइडेड बाय 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.85. नाउ अब इस केस में क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स जो है वो 8.5 से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ये फ्रिक्शन फोर्स होएगा. हैंस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 0.85 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इट विल बी द राइट आंसर.